एवरीवन, दिस इज़ मी ख्याति माहेश्वरी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल चार्टेड लॉजिक्स बाय ख्याति माहेश्वरी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेन एवर अ न्यू वीडियो कम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, अपडेट्स एंड सम फ्री क्लासेज ऑल्सो। अगर आपको नोट्स और कुछ भी मटीरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मैंने मुनीश भंडारी सर के सारे बुक्स जो भी उनकी क्लासेस के साथ में मिलते हैं प्लस उनके लेक्चर्स, उन सब का रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है। आपको उसका लिंक आई बटन के अंदर मिल जाएगा और नहीं तो हमारे चैनल के अंदर ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा मुनीश भंडारी सर की क्लासेस प्लस उनके क्लासेस के साथ में जितनी भी बुक्स आती हैं उन सब का रिव्यू। ये जो रिव्यू होने वाला है ये होने वाला है उनकी क्लास नोट्स के बारे में और अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज़ अबाउट द क्लास नोट्स ऑफ मुनीश भंडारी सर। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, मुझे कई वीडियोस के अंदर इसके ऊपर कमेंट्स आते हैं कि आप क्लास नोट्स के ऊपर वीडियो बनाइए एंड मुझे आज टाइम मिला है, मैं आज क्लास नोट्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको इसी तरीके से हर एक उनकी बुक के ऊपर एक इंडिविजुअल रिव्यू चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी उसे बनाने के लिए। ओके, सो ये है क्लास नोट्स का रिव्यू मुनीश भंडारी सर का और ये है एप्लीकेबल मई 2020 एग्जामिनेशन के लिए जो मेरे पास में है, मतलब कि जुलाई 2020 एग्जामिनेशन के लिए भी यही बुक एप्लीकेबल है। ओके, सो ये है इसका फ्रंट पेज एंड ये है इसका बैक साइड पेज। नाउ बैक साइड पेज के अंदर इनके जो क्लासेस के रेट्स हैं वो मेंशन है फॉर जुलाई मई 2020 एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेबल थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो रेट्स हैं इसके अंदर आपके डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं हैं। आई थिंक 700 रुपीज़ लगते हैं आपके होम डिलीवरी के चार्जेस, जो कि ऑफकोर्स आपको पे करने ही पड़ते हैं। अगर आप उन्हीं के पता नहीं कोई ये पब्लिकेशन के एड्रेस पे अगर आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वो डिलीवरी चार्जेस का पेमेंट करना होता है। ओके, सो ये चीज़ जो है वो इस क्लासेस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, क्लासेस के रेट्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू टुडेज़ वीडियो अबाउट क्लास नोट्स एंड व्हाट अबाउट दिस बुक। क्लास नोट्स के अंदर बेसिकली देख सकते हैं आप चैप्टर्स मेंशन है। ओके, चैप्टर्स मेंशन है बट कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर कंटेंट नहीं दिया हुआ है, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। ओके, तो ये जो जो इस तरीके के चैप्टर्स हैं, सेबी एक्ट 1992, इसका भी कोई कंटेंट नहीं है। बेसिकली जिस चैप्टर के अंदर बेयर एक्ट का ज़्यादा काम नहीं होता वो चैप्टर इसके अंदर गिवन नहीं है और वो चैप्टर आप टेक्स्ट बुक या हैंडबुक से रेफ़र कर सकते हैं सर के। इस बुक के अंदर बेसिकली उन्होंने बेयर एक्ट लिखा है और उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करा है, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। जैसे कि उन्होंने मेंशन करा है कोई सा भी सेक्शन, सेक्शन वाइज बुक है, जैसे सेक्शन 179 एंड आफ्टर आ गया 180 सेक्शन, तो इस तरीके से सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, सब सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। ओके, और प्रोविजो वगैरह भी अलग से डिफाइंड है इस तरीके से। यहाँ पे जैसे कि आ गया सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, या फिर उसका कोई प्रोविजो हुआ तो वो आ गया, और जो सेक्शन है उसको अच्छी तरीके से डिवाइड करा गया है। ओके, उसे अच्छी तरीके से डिवाइड करा गया है, हर एक सेक्शन को अच्छी तरीके से डिवाइड करा गया है। लेकिन ये जो सेक्शन हैं अगर आप इसे पढ़ेंगे उसके बाद में बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो जो लैंग्वेज है वो 99% सेम है, 99% जो लैंग्वेज है वो सेम है, मतलब कि इसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बेयर एक्ट ही है। सबसे पहले दिए हैं चैप्टर्स और फिर अगर चैप्टर्स से रिलेटेड कोई भी रूल्स हैं तो वो दिए हुए हैं, और फिर रूल्स के बाद में अगर कोई भी शेड्यूल्स हैं तो फिर वो गिवन है। ओके, तो एक तरीके से ये बुक जो है वो बेयर एक्ट है, लेकिन बेयर एक्ट को अच्छी तरीके से डिवाइड करा गया है ताकि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, बस ये एक थ्योरेटिकल बुक है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसके बाद में उसके रूल्स आ गए, चैप्टर ख़त्म होने के बाद में उसके रूल्स आ गए, एंड अगर इसका कोई शेड्यूल होगा, इसका कोई शेड्यूल नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये बुक जो है वो डिवाइडेड है, मतलब कि एक तरीके से बेयर एक्ट ही है इस बुक के अंदर, पूरी के अंदर बेयर एक्ट है, उसको अच्छी तरीके से डिवाइड करा गया है। एंड जहाँ पे बेयर एक्ट का कोई काम नहीं है या छोटा सा चैप्टर है जिसको कि अपन टेक्स्ट बुक या हैंडबुक से कवर कर सकते हैं तो उसे टेक्स्ट बुक या हैंडबुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करा गया है, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया है।
ठीक है। एंड यस, इंडेक्स के अंदर जो है आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि कौन सा द सेक्शन, अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन के बेयर एक्ट के अंदर जाके रेफ़र करना है तो आप देख सकते हैं कौन सा सेक्शन है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और कौन सा पेज नंबर है। मैं इस चीज़ को बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। क्यों यूज़ करती हूँ, मैं एक बार सुबह उठती हूँ और एक बार मैं सेक्शन वाइज रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर कोई सी भी एक बुक रख लेती हूँ एंड इस तरीके से मैं सेक्शन बोलते हुए याद करने की कोशिश करती हूँ कि इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये इस तरीके की चीज़ आप खुद भी अपने लिए बना सकते हैं अगर आपको ये टिप यूज़फुल लगी हो तो। मैं ऐसी छोटी छोटी टिप्स अपने वीडियोस के अंदर डालती रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी वीडियो हो उसे पूरा देखिए ताकि जब भी अगर कुछ याद आ जाता है वीडियो बनाते हुए तो मैं उस टिप्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये भी एक तरीके का यूज़ है इंडेक्स को एक तरीके से यूज़ लेने का कि अगर सेक्शन दिया हुआ है तो उसको आप एक बार मन के अंदर बोलिए कि ये सेक्शन के अंदर क्या क्या था और फिर आप उसे चेक कर सकते हैं। ओके, ये आपको बेयर एक्ट के अंदर भी मिलेगा। तो बेसिकली ये बुक जो है इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बेयर एक्ट है, उसको अच्छी तरीके से डिवाइड करा गया है, चैप्टर्स हैं, उसके बाद में रूल्स हैं, उसके बाद में उसके शेड्यूल्स हैं। ओके, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करे गए हैं। देखिए यहाँ पर भी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करे गए हैं क्योंकि बेसिकली उसके अंदर बेयर एक्ट नहीं था इसलिए उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया है। और उसको स्टूडेंट शुड रेफर टेक्स्ट बुक और हैंड बुक, एंड स्टूडेंट्स को बोला गया है कि वो रेफ़र करें टेक्स्ट बुक या हैंड बुक। सर जो है सारी नोटिंग्स वगैरह इस बुक के अंदर ही कराते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से नोटिंग कर रखी है पेंसिल से, जो जो मैंने कवर कर रखा है उस उसकी मैंने इस तरीके से देखिए नोटिंग कर रखी है। ओके, सो सर यूज़ करते हैं इस बुक को सबसे ज़्यादा अपनी क्लास के अंदर, और इसका मतलब ये हुआ कि मुनीश भंडारी सर जो है वो पढ़ाते हैं बेसिकली बेयर एक्ट से। ओके, तो ये इतनी मोटाई है इस बुक की, ज़्यादा मोटी नहीं है, आई थिंक जो उनकी हैंडबुक है उतनी ही इसकी मोटाई है। एंड ये बुक जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये बुक खाली उनको मिलती है जो कि उनकी क्लासेस बाय करते हैं। लोगों को इसका देखना था कि ये किस तरीके की बुक है, सो मैंने इसका एक रिव्यू बनाया है कि क्लास नोट्स कैसी है मुनीश भंडारी सर की। सो ये एक बेसिकली बेयर एक्ट है जिसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, डिवाइड करा गया है, सेक्शंस प्रोविजंस सब सेक्शंस सब कुछ अलग लिख रखा है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं है, और वो ये चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं है कि अगर सपोज़ करो गवर्नमेंट कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को कोई एग्जम्पशन मिलती है तो वो चीज़ इसके अंदर मेंशन नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको हैंडबुक या फिर टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना पड़ता है हर एक सेक्शन के बाद। तो मतलब कि किसी भी सेक्शन के अंदर, क्योंकि बेयर एक्ट के अंदर भी नहीं होता है ये चीज़, तो नोटिफिकेशंस या फिर सेक्शंस के अंदर आती है तो फिर ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर खाली बेयर एक्ट चीज़ें इंक्लूडेड है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको इसके लिए एक फेयर आइडिया मिला हो कि क्लास नोट्स के अंदर क्या है और क्या नहीं है और ये कैसी बुक है। ओके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको हर एक बुक के लिए मुनीश भंडारी सर के यहाँ कोई दूसरी बुक के लिए भी आपको अगर रिव्यू चाहिए तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं करा है तो, क्योंकि 90% लोग नॉन सब्सक्रिप्शन वाले ही वीडियो को देखते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं श्योर हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर मिलेगा इस चैनल से। ओके, हमें सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड ऑल द बेस्ट।